सो गाइस, आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रेडी में फ्रैंकलिन चेंज करने वाला है पुलिस स्टेशन का कलर। गाइस, पुलिस वाले फ्रैंकलिन को ये काम करने के लिए काफी ज्यादा पैसा देने वाला है। तो आगे देखते कैसे जो है फ्रैंकलिन कलर चेंज करने वाला पुलिस स्टेशन का एंड कैसे उसको पैसे मिलेंगे। तो लेट्स गो गाइस, देखते क्या होगा। चलो भाई यार, फाइनली मैं अपने सिटी वापस आ चुका हूँ। यार आप लोगों को पता नहीं होगा गाइस, मैं ना दूसरे सिटी भाग गया था, क्योंकि यार मैंने ना सिटी में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक क्राइम कर दिया था। वो क्राइम ये था कि मैंने ना एक बंदे को मार दिया था गलती से अपने, लाइक मैं जो है ना रात को कार चला रहा था एंड यार उसको बेचारे को गलती से मैंने ठोक दिया। अभी यार क्या ही कर सकता हूँ। एंड मैं ना कुछ दिनों, लाइक एक वीक के लिए शहर से एकदम बाहर चला गया था दूसरे शहर पे। एंड यार देखो, मैं फाइनली आ चुका हूँ। यार मुझे कुछ, अरे एक सेकंड, ये हवा में ये सब क्या तैयार हो गया है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मुझे ना पुलिस वालों से बचना है, बाकी सब तो ठीक है। और अभी यार मैं ना चलता हूँ, भाई यार पुलिस स्टेशन है, मैं ना पीछे से निकल लेता हूँ। ये लोग मुझे अगर देख लिया ना, पता नहीं मुझे पकड़ ना ले। एंड मैं ना चलता हूँ गाइस। यार अभी एक सेकेंड, ओए यार मैं अपने घर में अभी अभी वापस आया हूँ। एंड ये क्या पूल का कलर भाई, ये RGB, मतलब ये कैसा सा कलर हो चुका है, देखो रेनबो कलर बन गया है। ये कुछ समझ में नहीं। और एक डक भी है, ये डक तो वो पोकेमोन है ना गाइस। यार आप लोग कमेंट करके बताना इस पोकेमोन का नाम। यार मेरा बाइक तो RGB कलर का था, लेकिन ये पानी कैसे यार स्विमिंग पूल का RGB कलर का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं ना पुलिस वालों से जाकर बात करता हूँ। मुझे लगता है ना ये लोग अब तक भूल ही चुके होंगे कि किसने वो जो है ना मर्डर, लाइक गलती से यार ठोक दिया था उस बंदे को मैंने। वैसे वो मरा नहीं था यार, वो जो है ना अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके एक दो हड्डी टूट गया, अभी जाने दो। मैंने एक बार इनसे बात करता हूँ। एंड यार मुझे नहीं लगता इनको पता होगा कि मैंने ही वो काम किया था। अभी अच्छा यार इनसे बात करता हूँ। ओए अब, अरे यार इनके सामने जाकर मैं गिर गया भाई। कोई बात नहीं यार, इनसे ही पूछता हूँ कि ये स्विमिंग, अरे यार पुलिस वालों तुमको पता है मेरे घर पे, यार मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गया था और मेरे घर पे यार स्विमिंग पूल का कलर एकदम RGB हो गया है भाई, तुमको कुछ पता है, मुझे प्लीज हेल्प करो यार, बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा है। अरे हाँ भाई यार, हमको पता ही, क्या बात है। देखो यार तुम्हारा वो जो है ना पूल का पानी एक बहुत ज्यादा खतरनाक गन की वजह से ऐसा कलर का हो चुका है। अगर तुम पुलिस स्टेशन का कलर भी चेंज कर दोगे तो हम लोगों को हम तुमको बहुत पैसा देंगे, और यार तुम्हारे ऊपर जो पेंडिंग केस पड़ा है वो भी उठा लेंगे, तो तुमको भी पुलिस स्टेशन का कलर चेंज करना पड़ेगा। अरे यार इनको पता है गाइस, यार मुझे करना पड़ेगा भाई। अच्छी बात है यार, मैं ना सिटी में वैसे सेफली रह पाऊंगा। देखो यार ये कितने करप्ट पुलिस वाले हैं। और गाइस यार इन लोगों ने ना मुझे कहा है, देखो यार पैसे तो देने ही वाले ये लोग, अच्छी बात है। एंड यार ये लोग जो है ना मेरे ऊपर से वो केस भी हटा देंगे, तो सही है यार। अभी जो है ना मैंने देखो वाटर कलर लिख दिया RGB टूल में। एंड ये कैसा सा गन है भाई, ये होली का गन क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, देखो यार। ओके गाइस, हम लोगों को ना ये गन कलेक्ट करना पड़ेगा। और देखो, अरे फ्रैंकली तो ना, वैसे वो जाने दो। और देखो गाइस ये टावर पे रखा हुआ है, और यार मैं ना इस टावर पे ऐसे तो जा नहीं सकता हूँ। इसके लिए गाइस मुझको ना एक काम करना पड़ेगा, मुझको ना चाबी ढूंढना पड़ेगा, और इसका चाबी जो है ना एकदम स्टंट के इस ऊपर वाले बिल्डिंग पर मिलने वाला है। तो चलो यार हम लोग ने इसको कम्प्लीट करते हैं। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि इसको अगर मैं कम्प्लीट करूँगा तो मुझे जो है ना इसके ऊपर ही मिलेगा जो है ना चाबी। तो चलो यार इसको हम लोग सेफली एंड फास्टली लाइक क्विकली कम्प्लीट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड देखो अभी आपका भाई जाना, ये रैंप को क्रॉस करना है मुझे, लाइक एकदम एंड तक जाना है। तो चलते हैं गाइस। एंड ओके सामने अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जाना है। तो चलते हैं गाइस। यार देखो अभी सामने गड्ढा तो नहीं है, ओके ठीक है बढ़िया है, अभी चलते हैं। एंड देखो यहाँ पर डस्टबिन रखे हुए, पता नहीं कि, और सामने भी डस्टबिन है। तो चलो, वो भाई कितना खतरनाक जंप लगा ले भाई, ब्रेक लगा नहीं तो मैं आगे जाके एकदम पता नहीं कहाँ ठुक जाऊँगा। वैसे यहाँ पर जो है ना कुछ डस्टबिन रखे हुए थे, अच्छी बात है। अभी चलो कोई ना, अभी चलते हैं। सामने दो रोटेटिंग कंटेनर्स हैं, अभी बस मुझे इनके बीच से जाना है। कैसे भी करो, अरे भाई रुके, ओके 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 भाई 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 चलो ठीक है यार, बहुत ही खतरनाक है। ओके गाइस सर अभी जाना है इसके ऊपर से, मुझको जाना है, लेट्स गो। एंड ओके अभी मुझे इसको कैसे भी, ओके सामने कोई गड्ढा भी नहीं, बढ़िया है। तो चलते हैं गाइस सीधा, और यहाँ पर और एक रोटेटिंग कंटेनर है, और मैंने इसको भी क्रॉस कर लिया। एंड ये ओके भाई, यार ये इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है ना, इधर से अगर मैं गिरूंगा ना मैं लिटरली ख़त्म हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। और यहाँ पर ये कैसे लाइक उबड़ खाबड़ बना दिया कौन से, वैसे जाने दो। और सामने फिर से ये रोटेटिंग कंटेनर, एंड मुझे परफेक्ट टाइमिंग दिख चुकी है, अब मैं चलता हूँ, मिल चुकी थी। तो चलो देखो यार मैं ना अभी थोड़े से सेफ स्पॉट में आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से, ओए भाई फिर से रोटेटिंग कंटेनर है, मुझे लगता है ना यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है। तो चलो यार लेफ्ट की ओर चलते हैं। एंड गाइस देखो अभी जाना, अरे फिर से ओके यहाँ पर तो मैं एकदम बढ़िया आ चुका हूँ।
और अरे यार इस साइड से जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यार मैं ना यार अभी गिर जाता फिर से। ओके कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। एंड यहाँ से मुझे कैसे जाना है, तो मुझे तो रोटेटिंग लाइक गोल से दिख रहा है, तो आई थिंक ना मुझको इसको पूरा कंप्लीट करना है। अभी मैं चलता हूँ। एंड यार देखो अभी यार ये थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे मैंने काम कर सकता था, मैं डायरेक्ट जंप लगा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे ही जाने वाला हूँ मैं, तो सीधा चलता हूँ। एंड मैं ना थोड़ा धीरे चलाने वाला हूँ, मुझे गिरना नहीं है यहाँ से, अगर मैं गिर जाऊँगा तो ख़त्म है। तो अभी चलते हैं सीधा। एंड फिर मुझे यहाँ पर जो है ना सामने ये दिख रहा है, अभी यहाँ से बस मुझे नीचे जाना है। एंड मैं गाइस यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ, तो अभी बस सीधा चलता हूँ यहाँ से। तो देखो यार अभी जो है ना बिल्डिंग मुझे सामने ही दिखेगी, और पता नहीं अभी भी दिख क्यों नहीं रही है। ओ हाँ दिख गई। तो अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर जाकर मुझे जो है ना अभी उठा लेना वो चाबी, फिर हम लोग जो है ना खोलेंगे एयरपोर्ट का वो लाइक ऑफिस का गेट, सीधा टावर पर जाएंगे एंड वहाँ से हम लोग जो है ना उठा लेंगे वो वाला गन। तो चल यार मैं ना ले लेता हूँ चाबी, पता नहीं कहाँ है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो मैं ना ढूंढ कर आप लोगों से मिलता हूँ गाइस, अभी देखते हैं कहाँ पर है। ओके गाइस फाइनली मैंने ढूंढ लिया है एंड यार मुझे मिल चुकी है चाबी। तो चलो यार सीधा चलता हूँ अभी, यार मैं ना यहाँ से जंप लेने वाला हूँ। ओके भाई गिरना मत, बस बाकी सब सही है। ओए भाई नहीं नहीं, ओके मुझे नहीं लगता ये गिरेगा। ओ भाई बढ़िया है, चलो मज़ा ही आ गया। अभी चलते हैं गाइस यहाँ से। एंड देखो अभी जो है ना मुझे यहाँ से बस सीधा जाना है। एंड देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइक रास्ता मैंने ऑलरेडी पार कर दिया है, अब मुझे बस सीधा एयरपोर्ट पर जाना है एंड वहाँ से जो है ना मुझे उठा लेना चाबी। तो चलते हैं गाइस। वैसे यार ये बाइक बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, देखो ये जो है ना RGB कलर का हो गया, ये भी पता नहीं अच्छा है यार, मैंने तो पहले नोटिस ही नहीं किया था, पहले ये RGB कलर का नहीं हुआ करता था। अभी यार मैंने ना लाइक बीच से जब से इसको उठाया ना तब से ये RGB कलर का हो चुका है। अब यार कुछ समझ में नहीं आ रही, कैसा सा लाइक अजीब सा एक लाइक ग्लिच है यार, क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन चलो कोई ना। अभी मैं चलता हूँ एंड इस गेट को ओपन करता हूँ। ओके और मैं जो ना वो गन उठा लेता हूँ, फिर यार पुलिस स्टेशन को हम लोग पेंट करेंगे। ये देखो गाइस मुझे गन मिल चुकी है, इसको बस मुझे उठा लेना है, फिर तो बाकी बढ़िया। देखो मैं ड्रोन शॉट ले रहा हूँ अपना, तो इसको हम लोग जो ना उठा लेते हैं सीधा। फिर यार अभी हम लोग जो ना कलर करेंगे, वैसे कौन सा कलर करें, ग्रीन कलर करते हैं पुलिस स्टेशन को, बढ़िया रहेगा। एंड यार पुलिस वाले ना हमको काफ़ी सारा पैसा भी देने वाले हैं एंड में, तो देखते हैं क्या होगा। ये देखो गाइस मैंने पुलिस स्टेशन को ग्रीन कलर का कर दिया है एंड पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो एकदम बल्ले बल्ले कर रहे हैं भाई, देखो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वैसे गाइस ये गन भी ना उनको ही दे देनी है। और देखो यार मेरा जो है ना घर का पूल भी यहाँ से एकदम RGB कलर का, रेनबो कलर का लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सही सीन है। अभी बस चलते हैं यहाँ से। एंड गाइस देखो मुझे ना नेक्स्ट वाला गन भी मिल चुका है, और ये कितना बड़ा है भाई, इतने ऊंचाई पर मैं पहले जाऊँगा कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। एक काम कर सकता हूँ मैं गाइस, मैंने एक काम करता हूँ, मैं सीधा एकदम एरोप्लेन की मदद से ना यहाँ तक आ जाता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो यार वही करते हैं हम लोग। वैसे एरोप्लेन तो मुझे एयरपोर्ट में मिल जाएगा। देखो मैं जो है ना कलर क्योंकि अभी अभी वापस आया हूँ, तो बस एरोप्लेन में बैठता हूँ एंड इसको उड़ा कर लेकर चलता हूँ सीधा उस बिल्डिंग के टॉप पर। एंड ये देखो गाइस मुझे एरोप्लेन दिख चुका है, अब गाइस इसको बस उड़ाना है, वैसे बस इसको क्रैश नहीं करवाना, बाकी सब तो ठीक है, इसको उड़ा तो मैं वही उड़ा लूँगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यार अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड भाई यार इसको उड़ाना वैसे थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लाइक मैं ना लास्ट टाइम इसको क्रैश करवा दिया था और मैं मर भी गया था, इस बार मुझे मरना नहीं है। और देखो यार सामने तो लाइक ऑलरेडी इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो यार इनके जो है ना इनको पार करके मस्त जाना है मुझको। एंड भाई कौन सा ये नहीं, हाँ ये वाला बिल्डिंग है, रुको गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था और यार मेरा भाई मेरा प्लेन स्टॉल हो चुका है, रुको रुको इसको मैं ठीक करता हूँ। भाई यार ये पूरा पलट गया है, अब मैं क्या करूँ, रुको गाइस इसको कैसे ठीक करूँ यार, रुको यार मुझे ना कोशिश करना है कैसे भी करके, हो जाना चाहिए भाई प्लीज़ हो जा। ओके अरे यार हो जाए भाई, ओके ओके हो चुका है, लेट्स गो गाइस, चलो बढ़िया यार हो चुका है। अभी मैं ना चलता हूँ यहाँ से एंड इसको गाइस मैं ना उसी बिल्डिंग के ऊपर एकदम लैंडिंग करवा लेता हूँ एंड इस बड़ी हो जाना चाहिए प्लीज़ भाई, प्लीज़ लैंडिंग हो जाए यार, भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है ये प्लेन, मैं सच बता रहा हूँ। अरे भाई भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली अपने मर्जी से उड़ रहा है भाई। मैंने एक काम करता हूँ, मैं ना सीधा यहाँ पर जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता है यार, बहुत ही टाइम लगने वाला है गाइस। फाइनली यार आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आप लोगों ने शायद देखा होगा सामने एक प्लेन गिरा था, अभी वो रेंडर नहीं हो रहा वैसे, तो गाइस मैंने ना डायरेक्टली जंप लगा दिया था यार। भाई मैं फाइनली आ चुका हूँ, तो चाबी उठा लेता हूँ, भाई बहुत ही मुश्किल था लिटरली, तो चाबी उठाकर सीधा चलता हूँ। ये देखो गाइस, अबे चाबी की बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो गन उठाना था। देखो गाइस मैंने गन भी उठा लिया है, आई मीन ये मुझे मिल चुका है, तो मुझे बस इसको जो है ना उठा लेना है एंड इसको लेकर चलता हूँ सीधा अभी जो है ना मैं पुलिस स्टेशन, एंड वहाँ पर जाकर मैं सीधा उनको कलर कर देता हूँ, लाइक उनका जो है पुलिस स्टेशन, तो बढ़िया रहेगा। अभी यार रेड कलर
कलर करवाएंगे इस बार, ये देखो गाइस। अभी जो है ना इसको रेड कलर करवाते सीधा, तो देखो यार कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। प्यारा लग तो नहीं रहा है लेकिन अजीब ज़रूर लग रहा है। तो बढ़िया है गाइस यार, ये जो है ना अपना ये सेकंड वाला भी हो चुका है। अब गाइस यार हम लोग ना इसको गोल्डन कलर का करेंगे, लेकिन यार वो गोल्डन नॉर्मल गोल्डन नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट गोल्डन है। और उसके लिए हम लोगों को ये गन चाहिए रहेगी, जो कि यार शोरूम के ऊपर है, कार शोरूम के ऊपर। तो चलो यार इसको भी लेने चलते हैं, कैसे जाएंगे ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यार इतने ऊंचाई पर तो मैं प्लेन, इतना ऊंचा नहीं है लेकिन इतने कम ऊंचाई पर मैं प्लेन नहीं ले जा सकता। तो यार मुझे ना दूसरा कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एंड मैं सोच रहा हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। तो मेरे पास एक आइडिया गाइस, देखो मैं ना यहाँ से उतर जाता हूँ सीधा, तो अभी मैं चल जाने वाला हूँ सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर। एंड रुक यार इस बिल्डिंग पर जाता हूँ पहले, वरना अगर मैं बहुत ही ऊंचाई से जंप लूँगा तो मैं गिर सकता हूँ। तो एकदम यहाँ से जंप लेता हूँ, होपफुली मैं नहीं गिरूंगा। तो चल यार मैं जो है ना जंप ले लिया मैंने, तो अब बस ओके नाइस यार, अच्छी बात है मैं गिरा भी नहीं हूँ। तो सीधा यार कंस्ट्रक्शन साइट के सामने की ओर चलता है। एंड देखो गाइस मैं आ चुका हूँ, तो मुझे जो है ना बस इस बिल्डिंग के ऊपर जाना है कैसे भी करके। तो अब मैं कैसे जाऊँ ये भी सोचने वाली बात है, जैसा कि मैं कह रहा था। तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया यार, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना यार RGS टूल का हेल्प लेता हूँ, एंड वहाँ से R1 स्पॉन करता हूँ, फिर बाइक की मदद से ना एकदम सीधा यहाँ पर जंप लगा दूंगा। तो देखते हैं ये प्लान काम करता है कि नहीं। तो अभी जो है ना मैं R1 जल्दी से जल्द सर्च करता हूँ, एंड ये देखो गाइस मुझे जो है ना बस यहाँ पर R1 सर्च करना है, R1 से जो है ना स्पॉन करवाना है ये जो है ना ये रैम। तो अब जो है ना मैं सीधा चलता हूँ, वैसे वो बाइक कहाँ गया, हाँ तो मैं बाइक के ऊपर चढ़ूंगा सीधा। एंड एक सेकंड मैं ना एक काम करता हूँ, पहले जाकर देखता हूँ कि मैं पैदल जा सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं पैदल जा सकता हूँ तो अच्छा रहेगा, देखता हूँ यार पता नहीं अगर हाँ भाई गैप है, थोड़ा सा गैप है, तो मैं पैदल तो नहीं जा सकता, वरना यार मैं गिर जाऊँगा यहाँ से एकदम, लाइक एकदम श्योर हूँ गिर जाऊँगा, जंप भी नहीं ले सकता मैं। तो एक काम करता हूँ मैं ना बाइक से चलता सीधा, अभी इस बाइक में मैं बैठ जाता हूँ, एंड इसको मैं ना थोड़ा पीछे से ले आऊँगा फुल स्पीड में, ताकि यार एक बार ही मैं जो है ना जंप बन जाए। वैसे मुझे एकदम ना परफेक्ट जंप लगानी पड़ेगी, वरना अगर मैं ज़ोर से जंप लगा दूंगा तो शायद मैं जो है ना एकदम गिर भी जा सकता हूँ, एकदम उस साइड जा सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं ना धीरे से, अरे भाई इतना भी अजीब तरीके से नहीं जाना था। एक काम करता हूँ गाइस, इतने से स्पीड से जाऊँगा ना तब भी काम बन जाएगा। तो ये देखो गाइस मैंने जंप लगा दिया है, एंड भाई हो जा ओके ओह भाई हो गया यार, मज़ा ही आ गया। चलो यार आपका भाई कितना प्रो है देख लो। अभी मैं ना चलता हूँ, एंड वो वाला गन भी उठा लेता हूँ, ये देखो गाइस मुझे मिल चुका है, तो इसको ले लेते हैं। फिर यार पुलिस स्टेशन को हम लोग कलर करेंगे, इस बार ही गोल्डन कलर का करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मुझे लगता है नहीं ये गोल्डन कलर का ही है ना है, मतलब ये वाला गन। तो चलो यार इसको भी लेकर चलते सीधा। और यार ये ड्रोन शॉट कितना टाइम लेता है भाई, मतलब देखो मैं इसको तब से ड्रोन से देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वैसे देखने में, अभी कोई बात नहीं। एंड देखो गाइस आपके भाई ने पुलिस स्टेशन को यार गोल्डन कलर का भी करवा दिया है, और ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब मज़ा ही आ गया। एक काम करते हैं गाइस, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाला भी गन ढूंढ लेते हैं, जिससे हम लोग जो है रेनबो कलर का कर देंगे, फिर हम लोगों को पुलिस वाले काफ़ी सारा पैसा देने वाला है, तो बढ़िया रहेगा। अभी देखो गाइस रेनबो कलर करने के लिए हम लोगों को ना ये वाला गन इसी बिल्डिंग के टॉप पर मिलने वाला है। तो चलो यार सीधा चलता हूँ इस बिल्डिंग के टॉप पर, एंड यार हम लोग जो है इस गन को भी उठा लेते हैं, फिर यार सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर कलर करेंगे रेनबो कलर, फिर यार पैसे ले लेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी चलते हैं, एंड होपफुली वो लोग जो है अपने नाम से वो केस भी हटा देंगे। तो अब मुझे जो है ना इस बाइक को लेकर जाना है, तो बढ़िया है अभी सब कुछ, बस इस बाइक को लेकर चलता हूँ, एंड सीधा यहाँ से जंप लेना है मुझे एक मस्त सा। एंड सामने रैंप था लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलो यार यहाँ तक तो आ चुका हूँ, यही बड़ी बात है। अब यहाँ से मुझे बस सामने जाना है, अब सीधा चलते हैं गाइस। देखो मुझे सामने उसी वाले रैंप के ऊपर से जाना है, एक अच्छी सी जंप लगानी है, ताकि मैं जो है ना एकदम सीधा उस बिल्डिंग के टॉप पर चला जाऊं। तो चलते हैं, वैसे बिल्डिंग के टॉप पर नहीं जाना है मुझे, बस इसी जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, और मैं गिर कैसे गया ओके कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से। एंड यार देखो मुझे जो है ना इसी लाइक यहाँ से जंप लेना है, एंड सीधा उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पर जंप लगानी है। तो चलो यार मैं जो है ना जंप लगाता हूँ, एंड हो जाना चाहिए भाई, हो तो जाएगा ही ना ओके कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो लाइक वो जो है ना ड्रोन शॉट में देखा था, वो जो है ना गाइस हम लोगों को नीचे मिलेगा, तो बढ़िया है। अभी बस हम लोगों को नीचे जंप लगानी है, फिर वहाँ पर अगर सेफली हम लोग पहुँच जाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा जो लेना है वो वाला गन। तो अभी देखो, अरे रुक जा भाई फ्रैंकलिन व्हीली क्यों मार रहा है यार फ्रैंकलिन तो ओके कोई बात नहीं, यहाँ से जंप लेना है। अब देखो यार यहाँ से ना मैं गिर भी सकता हूँ नीचे, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा मुझे लग रहा है ओके अभी मैं ओके मस्त लैंडिंग किया मैंने। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है, एंड रुको ओके भाई सामने मत चला जाना, ज़्यादा सामने चला जाऊँगा ना तो मैं गिर जाऊँगा ओके गाइस यहाँ तक भी आ चुका हूँ।
एंड ये देखो, अरे भाई ये कैसा व्हीली मार रहा है भाई फ्रैंकलिन। ओके गाइस अभी जो ना वो वाला गन भी उठा लेता है, फिर हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, कलर कर देंगे यार पुलिस स्टेशन को। ये देखो गाइस मुझे वो वाला गन भी मिल चुका है, तो इसको भी उठा लेते सीधा एंड सीधा चलते पुलिस स्टेशन। फिर जाकर यार पुलिस लाइक पुलिस स्टेशन को रेनबो कलर कर देता है, फिर तो बढ़िया रहेगा। ओके तो अब फिर जो है ना हम लोगों का काम बहुत सा बन जाएगा एंड यार पुलिस वाले होपफुली हमको पैसा दे देंगे अपना, एंड यार अपना जो है ना केस भी उठा लेंगे नाम से, क्योंकि यार आपको तो पता ही होगा मैंने उस बंदे को ठोक दिया था रात को। वैसे यार रात के अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई ऐसे भी चारा मतलब मैं उसको देख ही नहीं पा रहा था तो मैं ऑब्वियसली ठोकूंगा ना। वैसे वो रास्ता क्रॉस कर रहा था गाइस, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलते हैं यहाँ से एंड यार अभी जो है ना मैं शॉर्टकट वाला रास्ता लेता हूँ, फिर यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ। और गाइस यार हम लोग जैसा कि अबे फ्रैंकलिन भाई क्यों यार, मतलब ये कोई रीज़न ही नहीं बनता यार गिरने का, यार स्लाइड करके चला जाना चाहिए था ना यार। देखो मेरा बाइक कितना दूर चला गया है भाई, मुझे ना इतना गुस्सा आता है फ्रैंकलिन के ऊपर कभी कभार, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी चलते हैं यहाँ से, कोई ना गाइस यार मैं ना ये बाइक उठाता हूँ एंड सीधा चलता हूँ। और भाई यार जल्दी करना है मुझको, बहुत हो गया, वरना ये लोग मुझे अरेस्ट ना कर ले पुलिस वाले, इनका तो अलग सीन रहता है। ओके कोई बात नहीं, अभी चलता हूँ एंड देखो मैं एकदम आ ही चुका हूँ, मुझे बस अंदर जाना है, फिर यार हम लोग जाना कलर कर लेंगे। और अरे रुक जा फिर से मत ठोक दियो। ओके अभी देखो मैं आ चुका हूँ, अब बस यार बाइक से उतरता हूँ सीधा और मैं चलता हूँ इस जो है ना पुलिस स्टेशन को कलर कर देता हूँ। और देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो आई होप गाइस यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड यार अभी आप लोगों को स्क्रीन पे मेरे दूसरे वीडियोस भी दिख रहे होंगे, वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय।